हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छा होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आफ्टरनून का टाइम है और अभी मैं जा रही हूँ दिल्ली, क्योंकि अब कलकत्ता का रहना घूमना फिरना सब इंजॉय हो गया है। और मुझे नीतू से मिलकर तो बहुत अच्छा लगा, नीतू की पूरी परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया, तो अभी मैं खाना खाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी। तो चलो सबसे थोड़ा सा मिला देती हूँ और सभी बड़ों को प्रणाम देती हूँ। सब लोग आशीर्वाद करना, अच्छा से दिल्ली पहुँच जाऊँ और सब कुछ अच्छा से हो जाए मेरा सफ़र। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाभी का दूसरा किचन, जिसमें ये रोड की तरफ है और इसमें वेज बनता है, और इधर से गेट है, और यहाँ पे साइकिल रखा हुआ है भतीजी की, और यहाँ पे हमारा सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, क्योंकि हम निकलने वाले कितने थे, तैयारी हो रहा था। भाभी का पूजा हो चुका है, माता रानी से आशीर्वाद देती हूँ। और यहाँ पे भाभी का बहन बना रहे हैं चिकन, तो चिकन का कलर बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी बहुत हुआ था और कलर भी बहुत अच्छा आए हैं। तो चलो यहाँ पे बन रहा है, जब तक हम खाने का तैयारी कर लेंगे, पर ये दे देंगे साथ में। और यहाँ पे बेटी और भाई का, हाँ, लड़की और भाई की बहन का लड़की, तो तीनों बहन ही हैं, तो ये लोग सब खेल रहे, इंजॉय कर रहे, और एक आध घंटे समय है, तो बस खेलो, इंजॉय करो। और अभी टाइम मतलब एक डेढ़ घंटे में हम लोग निकलने वाले हैं, मैं तो तैयार हो गई हूँ। तो बेटी अभी इनके साथ थोड़ा सा खेल के उसके बाद फ्रेश होने जाएगी, तो मैंने कहा चलो इनकी जो इंजॉय कर रहे हैं इनकी टाइम को थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि कभी बड़े हो के ये वीडियो को देखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने, ये लोग खेल रहे हैं आओ मिलो सिलो सालो, ये सब खेल रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, तो ये सब हो रहा है इनके, तो कोई बंगला में कर रहा है तो कोई हिंदी में कर रहा है, तो ऐसे ऐसे करके हो रहा है। तो इंजॉय जैसे भी हो इंजॉय होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस टाइम को हम लोग ले लेते हैं। देख रहे कि इतना तेज तुमने खेला, लाल हो गया है, तो वो बोल रहे नहीं इतना तेज नहीं मारना मुझे, आराम से। तो चलो इन लोग खेल रहे, तो खेलने का ये सब तो हो गया है। और अभी मैं इनके साथ साथ, मेरी भी बचपन थोड़ा सा याद आ रहा था, तो मैंने कहा कि इन लोगों के ये जो अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ये खेल रहे हैं, तो मैं तो खेल देख लिया। और ये है एक भैया और भाभी जिनका घर है बैरकपुर में, और उनका होटल है और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो हमने देखो खाना खा लिया, और ये भैया और भाभी और भाई का लड़का आए हैं सब छोड़ने के लिए कि हम लोग जा रहे हैं। तो देखो हम लोग ऑटो में बैठ गए, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट का है, फिर भी ऑटो में जा रहे हैं। तो ये भाभी का बहन है, और यहाँ पे देखो सभी कह रहे कि हम जाएंगे छोड़ने, बुआ को हम जाएंगे छोड़ने। तो ये आज बैरकपुर स्टेशन नहीं आई हूँ, आज बैरकपुर से थोड़ा पहले आ गई पोलता स्टेशन, और यहीं से आज बैठूँगी, क्योंकि बैरकपुर में भीड़ हो। तो देखो हम लोग शियालदह स्टेशन पहुँच के, और हमने ट्रेन में थोड़ा बैठ के तसल्ली से थोड़ा सा गप्पे लड़ा रहे, और बस गप्पे हो रहे, और उसी बीच मेरा जेठ आ गए थे, तो उन्होंने आके बहुत सारा मिठाई विठाई सब दे के गए हैं। तो वही हम सोच रहे कि देखो दे गए हैं और इतना दूर से आके, तो कलकत्ता को देखो ट्रेन छोड़ दिया और टाटा बाय बाय कलकत्ता में, फिर पता नहीं कब आऊँगी। चलो सबको अच्छा रखे भगवान, और फिर अच्छा से जाके फिर दोबारा आ पाए, यही भगवान से प्रे करती हूँ। तो बस जाते जाते थोड़ा सा कलकत्ता का वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़ा सा कि याद तो हमें वैसे ही रहते ही है कलकत्ता, फिर भी थोड़ा सा रूट का अच्छा लगता है। तो चलो ये जो यहाँ का बस का कलर, गाड़ी का कलर, ये सब दिल्ली में नहीं होता है। तो ये सामने से मतलब ये जो दक्षिणेश्वर पड़ता है, ये
और नहीं हो रहा था तो इधर से मैं इजीली वीडियो बना रही थी। तो देखो ये हमारा सारा बेड शीट रात का लग गया है, सब सोने का तैयारी हो रहा है और यहाँ पे सो जाएंगे तो बेटा सबका लगा रहे और मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और हमने कोई खाना डिनर या कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मन अच्छा नहीं लग रहा था, सबको इतना दिन रह के छोड़ के आई हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं सबके सामने बहुत ज़्यादा वो करके रखती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं रोऊं या कुछ करूं, तो जो घर जाते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए देखो मॉर्निंग का टाइम में ये ब्रेकफास्ट मिला ट्रेन में, ये मिलता है ट्रेन में, मतलब यही मिलता है। तो ये देखो दिल्ली स्टेशन पहुंच चुकी हूँ और दिल्ली स्टेशन देखो कितना अच्छा लग रहा है, देख के मन को खुश हो गए कि हम दिल्ली पहुंच गए हैं। तो बस दिल्ली पहुंच के तो बैग लाने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट है तो हम गाड़ी में भी बैठ गए और जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो मेरा कई दिन पहले का था तो मैं आज दे रही हूँ और टाइम की वजह से तो ये दे रही हूँ। और देखो दिल्ली की मतलब आके ऐसे लगा कि बोलते हैं ना अपने नगरिया आ गए तो कितना खुश होते हैं, तो बस हम भी अपने घर दिल्ली पहुंच गए तो हमें अब बहुत अच्छा लग रहा है। और बस ये सब देखते देखते हमें लग रहा है कब से हमने ये चीज़ों को नहीं देखा था, ये सब चीज़ हमने कब से नहीं देखा था ऐसे लग रहा है। तो चलो थोड़ा सा सुबह का टाइम है तो सुबह का भी टाइम है तो गहरा हो रहा है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का जाम होता है, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं। तो ये है तो अब हम घर जाएंगे, उसके बाद हम अब अपने नॉडी को लाएंगे और नॉडी को ला के उसके बाद देखते हैं उसका क्या होता है, उसका क्या रिएक्शन होता है कि हमें देख के पहचानते हैं या नहीं पहचानते, तो ये सब भी मुझे देखना है। तो अगर देखते हैं जो भी होगा आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। तो अब बस घर पहुँच के देखो मतलब पहुँचने वाली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अब मेरा घर 5 से 7 मिनट है तो बस 5-7 मिनट में और मैं पहुँच जाऊँगी। थोड़ा सा ये है कि बस थोड़ा जब तक दिल्ली पहुँच गए तो बस रिलैक्स जा रहे हैं, घर पहुंच के तो काम स्टार्ट करना है, काम और काम। तो ये देखो दिल्ली का उस तरफ से कितना ट्रैफिक है, इस तरफ से खुला है क्योंकि उस तरफ से सब दिल्ली के ड्यूटी जा रहे हैं, इस तरफ से नॉर्मल है तो नॉर्मल लाइफ की तरह रोड भी नॉर्मल है। तो चलो यहाँ पे क्या है ना रोड में कितना भी जाम हो जाम लगता नहीं है क्योंकि अगर रोड बहुत चौड़े चौड़े होते हैं और अच्छा रहता है। तो देखो घर पहुंच गए और अभी ताला भी नहीं खोला और ये देखो बैग का लाइन, इतने सारे बैग लेके कैसे वीडियो बनाऊं रोड पे या स्टेशन पे, तो इसलिए कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और देखो थोड़ी देर में नॉडी को ले आए और नॉडी रानी आके तो मुझे क्या करे क्या नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है वो, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना 2 मच 3 मच इतना गुस्सा हो गई है बहुत ज़्यादा कि तुम कहाँ चली गई थी। तो चलो इसको तो मेरे को थोड़ा सा शांति करनी है, वो जिस तरह से शांत हो जाए उसी तरह से मेरे लिए अच्छा है। तो इसको खूब मैं प्यार कर रही हूँ कि शांत हो जाए पर बस वो देख रहे कोई भी नहीं थे अभी, किसी के पास नहीं जा रहे बस मेरे से। तो चलो इसको तो अब केयर करना ही नहीं। तो मॉर्निंग में मैं आ गई थी घर, उसके बाद आके कैसे कैसे करके सिंपल सी दाल चावल और आलू का चोखा बना के खा के जब से लगी थी काम में और अब टाइम हो रहा है 10:10 तो बस चाय पी के 9:30 तक हुआ था, चाय पी के अब उठी हूँ तो अभी मुझे बनाना है रात का डिनर
ये सब काम करना है। और सारा घर का काम कंप्लीट करके कपड़े वपड़े सारा कुछ धो के सब कुछ करके तसल्ली से अब मैं डिनर बनाऊंगी और कर खा के फिर आराम करूंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि ये कल से चल रहा है, तो एंड कर देती हूँ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल करते रहना। टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगी नया ब्लॉग के साथ।